बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चने की दाल के पराठे और आम की चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये हमारे पास आधा किलो भीगी हुई चने की दाल है, 2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला, नमक हसबे जायका ये 1 टेबल स्पून, ये लहसुन अदरक है और पानी हम इतना डालेंगे पानी इसमें खुश्क हो जाए बस। ये भीगी हुई दाल है, तकरीबन 1.5 गिलास के करीब तकरीबन पानी डल जाएगा इसमें। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, पानी इसी में खुश्क करना है हमने। दाल का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, इसे हम पीस लेंगे। अब दाल हमने सारी पीस ली है, अब ये छोटे छोटे 2 पेड़े बनाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे, इसमें भर के फिर पराठे बनाएंगे। ये हमने 3 आम को हाथ से अच्छी तरह से निचोड़ लिया है नरम करके, और 2 टेबल स्पून चीनी है, 1 चुटकी नमक और 1 ही चुटकी पिसी हुई मिर्च है, ये इसमें डालेंगे हम। ये हम चने की दाल के पराठों के साथ सर्व करेंगे। ये दाल के पराठे भी रेडी हुए, मैंने थोड़ा सा काट दिया था ताकि दिखा सकूँ आपको, ये देखिए। और ये चटनी इसके साथ हमने इसे सर्व किया, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बरसात के मौसम में बहुत मज़ेदार बनती है, आप जिस भी टाइम बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की और टेस्टी रेसिपी है। इंशाल्लाह फिर एक और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।